अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हमराज। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रोले दियामान। जो हमारा यूट्यूब चैनल पे न्यू है उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं मौजूद हूं ज़िला मुजफ्फरगढ़ में एक दरबार पीर महोब जानिया के, यहाँ पर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। मज़ीद तफसील देता हूँ आपको वीडियो में, जुड़े रहिए वीडियो के साथ। ये है इसका मेन गेट एंटर होने के लिए। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, अंदर मोबाइल लेकर नहीं जा सकता मैं। माशाल्लाह, और यहाँ पे हर टाइम ही रशकश रहता है, लोग ज़ियारत करने के लिए बहुत आते हैं। ये इसके बाहर के मनाजिर हैं। ये इसका मेन रोड है, ये शाजमल की तरफ जाता है और ये खानगढ़ की तरफ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो ये वो जगह है जहां पे लोग दफन होते हैं, खुद को रेत में दफन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे जो भी मर्ज हो तो शफा मिलती है। अभी बेहतर खुदा ही जानता है। कहते हैं कि यहाँ पे मुकम्मल शफा मिल जाती है। ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ में है, पीर महोब जानिया दरबार का नाम है, काफ़ी बड़ी भी है। और अभी भी यहाँ पे कुछ दफन हुए हैं, रेत में छोटे छोटे बच्चों को दफन किया गया है। और इसके बिल्कुल ही पीछे एक बस्ती है। ये यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं या अली और या हुसैन के। यहाँ पे कुछ तेल वगैरह भी रखा हुआ है, इसे लोग सर पे लगा रहे हैं। पता नहीं कि इसका क्या सिस्टम है, क्या निज़ाम है, बेहतर तो खुदा ही जानता है ना। और इतने डिटेल के साथ मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मज़ीद आपको दिखाता भी हूँ। ये है दरबार की बैक साइड। यहाँ पे भी लोग दफन हुए हैं, कहते हैं कि शफा मिलती है। उसका जी था शफा मिलती है, सीरियस। चलो खुदा देता रहे। आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज सारा दिन आवारा घूम घूम के अभी घर पहुंचा हूं। यहां पे बिजली भी नहीं थी, अभी आया हूं थोड़ा ये घूमने के लिए। छोटे छोटे ये यहां पे कपास वगैरह लगी हुई है। यहां पे शाम का टाइम हो गया, सूरज बिल्कुल ग़ुरूब हो गया, ख़त्म। तो आज की वीडियो का यहां पे एंड करते हैं। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। न्यू वीडियो के साथ सुबह मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।